हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल अवी यूट्यूब चैनल में और टेक्निकल अवी यूट्यूब फैमिली में। अगर हमारी फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक मिलेगा टेलीग्राम का और ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि सीरियसली गाइस वहाँ पर नहीं है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। लाइव ट्रेडिंग सेशंस मिस कर रहे हैं, लाइव अर्निंग मिस कर रहे हैं। तो गाइज, आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जिनके पास प्रोफेशनल नॉलेज की कमी है और जो हल्की अभी अभी आए हैं ट्रेडिंग में और अर्निंग नहीं हो पा रही है, लॉस में गए हैं, लॉस कवर करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि स्पेशल ट्रिक है मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके लोगों के साथ, ऐसी ट्रिक जिसमें से अभी तक अगर मैंने अपने ऊपर जो ट्राई किया है मोस्टली मुझे 100% ही रिजल्ट रहा है। मैं 99 भी नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पर हल्का सा ब्रेन आपको अप्लाई करना है, बाकी मैं बताऊंगा, आपका थोड़ा सा दिमाग और बाकी मैं बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, एक अगर परफेक्ट सिग्नल ढूंढते हो आप ट्रेडिंग के लिए, बाइनरी की बात हो रही है यहाँ पे गाइस, तो ट्रेडिंग के लिए तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए रहता है? प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी आपने अभी तक कोर्सेज किए हैं, प्लस योर एक्टिव माइंड, प्लस आपका हल्का सा आपका जो मार्केटिंग ट्रेंड जो चल रहे हैं फिलहाल, हाल फिलहाल में उसकी हल्की सी नॉलेज और हल्का सा लक, इसको इक्वल्स टू करेंगे हम सबको मिला के तो एक परफेक्ट सिग्नल बनता है। लेकिन आपको पता है, फर्स्ट डे से मैं कहता हुआ आ रहा हूं कि अगर आप इस चैनल के साथ बने हुए हैं तो आपके लिए अभी तक जितनी लेवल मैंने आसान कर दी है ट्रेडिंग, और आने वाले टाइम में इतनी आसान कर देने वाला हूं, वो विनिंग इतनी आसान कर देने वाला हूं कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप दिन के बहुत अच्छा खासा 15,000 10,000 आप अर्न कर सकते हैं। आपको पता ही है ये चीज, अगर आप चैनल के साथ बने हुए हैं, नहीं बने, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन है गाइस, अभी चेक कर लेना वीडियो को और उसके बाद सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर देना। सो गाइस, ये ट्रिक कैसे वर्क करती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैं एरो करके आपको दिखाऊंगा, दो ऑप्शन आप देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, तो हमारे पास तीन ऑप्शन खुल के आते हैं, लाइंस का, कैंडल्स का, बार्स का। ध्यान से सुनना है गाइस, ठीक है। तो यहां पे एक बात और बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है कि लास्ट तक वीडियो को देखना गाइस, तभी समझ आएगा। बीच में छोड़ दोगे वीडियो को, स्किप कर दोगे, तो बहुत चीजें ऐसी है जो मिस कर जाओगे, फिर आप कमेंट्स में लिखोगे कि ये चीज नहीं बताई, वो चीज नहीं बताई। तो गाइस, पूरी वीडियो को देखना, मजा जरूर आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। मजा नहीं आया अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं और मजा नहीं आया तो गाइज ओपनली है आप डिसलाइक करके चले जाओ वीडियो को, ठीक है। सो गाइज, यहां पे सबसे पहले कैंडल्स पे आपको ओपन करना है। यहाँ पे कैंडल्स पे देखिए, इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। गाइज, लोग कैंडल्स को क्यों प्रेफर करते हैं हल्का सा मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि गाइज क्या होता है, कैंडल्स में हमें बाय और सेल का जो कैंडल्स हैं लाइक स्टिक जो है वो हमें आसानी से दिख जाती है, हम समझ लेते हैं मार्केट को। वैसे ही अगर हम जो है लाइंस को अगर फॉलो करें, क्योंकि प्रोफेशनल्स होते हैं वो कैंडल्स को फॉलो करते हैं, कुछ होते हैं जो पैटर्न जो होता है उनका वो आप लाइन रखते हैं, लेकिन बेसिकली मैं जो है पर्सनली कैंडल्स को फॉलो करता हूं। बाकी आप जिसको भी फॉलो करें, जिसको भी रीड करना आसान लगे, जिससे भी उसको आपको करना चाहिए। गाइज, आप लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि अप डाउन को कैसे हम एनालाइज करें, कैसे रीड करें कि कब ग्राफ अप जाने वाला है, कब ग्राफ डाउन जाने वाला है, किसी को ये चीज नहीं पता रहती और आप लोग सोचते हो कि कैसे पता करें। अगर ये चीज आपको पता लग जाए कि कब अप जाएगा और कब डाउन जाएगा तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हो आप सोच भी नहीं सकते, और आज की ये वीडियो इसी पे डिपेंड है, आपको यही पता लगेगा। तो गाइज, एक सेटिंग आपने कर ली है, दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहां पे जाना है एलिगेटर के ऑप्शन पे और इसको कर देना है अनेबल। याद रखना कि सिर्फ एलिगेटर को अनेबल करना है और किसी चीज को यहां पे छेड़ना तक नहीं है। यहां पे एलिगेटर के सामने एक सेटिंग का ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस सेटिंग के ऑप्शन पे जाके अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं लगानी है, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं करना है। अब इस तरीके का कुछ इंटरफेस आप देख रहे होंगे। अब गाइज, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज ये आ रही है बनके। अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूं। तो गाइज, हमेशा याद रखना, जब भी रेड कलर का पैराबोलिक शेप येलो कलर की पैराबोलिक शेप को कट करेगा तो जिस डायरेक्शन में कट करेगा उसी डायरेक्शन में आपका ग्राफ अगले 2-3 मिनट तक रहने वाला है, हमेशा याद रखना। अब मैं आपको करके दिखा देता हूं, दिखाता हूं क्या है बेसिकली। देखिए, ये एरो दिख रहा है, यहां पे एक रेड कलर का जो लाइन है इस तरीके से, पहले येलो कलर की लाइन बन रही थी इस तरीके से और उसको कट किया है रेड कलर की लाइन ने, ठीक है। तो यहां पर जब भी आपको कट मिलेगा किसी भी लाइन में गाइज, याद रखना, लेकिन यहां पे पैराबोलिक शेप जो होगी वो स्ट्रांग होनी चाहिए, हमेशा याद रखो, पैराबोलिक शेप जो होगी वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो वीक नहीं होनी चाहिए। मतलब
पैराबोलिक जो बनेगा वो बड़ा बनना चाहिए, छोटा नहीं बनना चाहिए, आसान भाषा में ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपको नीचे की तरफ जाता हुआ मिला ये लाइन, और उसी टाइम पे जो है ट्रेड नीचे गई है, देखो आगे आने वाले टाइम में नीचे गई है। अब इसको और पीछे लेके जाते हैं, हिस्ट्री दिखाता हूं आपको, आपको समझ आ जाएगा। देखिए अगर जहां भी हिस्ट्री मिलेगी उसको देखिए, यहां पे चेक करेंगे तो ये जो पैराबोलिक है ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन रहा है, ये कर्वी इस तरीके से बन रहा है, हमें इस तरीके से पैराबोलिक चाहिए, ठीक है। तो इसको नोटिस करना गाइस, आगे जैसे ही मिलेगा तो यहां पे देखेंगे आप बड़ा इंटरेस्टिंग सा, तो यहां पे येलो कलर की जो लाइन है उसे रेड कलर की नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है और ट्रेड जो है नीचे की तरफ गया है, ठीक है। ये चीजें आपको देखनी है, और अब और दिखाऊंगा मैं हिस्ट्री में जाके। अब यहां पे देखो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है, यहां पे येलो कलर की लाइन इस तरीके से बन रही है और रेड कलर की उसे इस तरीके से क्रॉस कर रही है, तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ गया है, आप चेक कर सकते हैं ग्राफ जो है ऊपर की तरफ गया है। तो गाइज आपको क्या करना है, वेट करना है ऐसा पैराबोलिक सिंबल का कि ये कब ये सिंबल बने और कब ये सिंबल आपको दिखे आपके ग्राफ में। जैसे ही ये सिंबल आपको दिखना शुरू हो, अगर वो नीचे से क्रॉस होकर ऊपर जा रहे हैं तो आपको ट्रेड क्या कर देनी है, ऊपर कर देनी है। जैसे ही वो ऊपर से क्रॉस होकर नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपको क्या कर देनी है, नीचे की तरफ ट्रेड कर देनी है। तो गाइज 100% वर्किंग ट्रिक है, और मैं बहुत देर से, काफी दिनों से मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप पे रिसर्च करने के बाद आप पे लेके आऊं, और 100% वर्किंग ट्रिक है, करके देखो और मजा आएगा। 10 में से 9 जरूर जीतोगे, अगर आप 9 नहीं जीते तो 8 जरूर जीतोगे, अगर 8 से कम अगर आप जीतते हो तो सोच लेना कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। अब आगे दिखा देता हूं मैं और हिस्ट्री जो है, और हिस्ट्री को फॉलो कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पे एक परफेक्ट पैराबोलिक शेप नहीं बन रही है, तो यहां पे कुछ फायदा नहीं है। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैं दिखाऊं आपको, एक शेप इस तरीके से बन रही है येलो की, और इसके बाद जो रेड है वो इस तरीके से इसे कट कर रहा है, तो इसीलिए जो ग्राफ है ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि ये जो देखिए ये जो लाइन है जिस तरफ भी जाएंगी ना, ऊपर की तरफ गई तो ऊपर बनेगा, ऐसे कट करते हुए नीचे की तरफ आई तो नीचे बनेगा। ये चीजें आपको याद रख लेनी है, हमेशा याद रखना है, अगर ऊपर की तरफ गई सिग्नल लाइन पैराबोलिक शेप अगर कट करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, और अगले 1-2 मिनट के लिए जाएगा। और अगर आपको लगता है भाई पैराबोलिक शेप नीचे की तरफ आ रही है तो अगले 1-2 मिनट तक वो दोनों कट करके नीचे की तरफ ही जाएगा, ग्राफ आपका नीचे की तरफ ही जाएगा। तो ट्रेड कितने मिनट की सेट करनी है, 1 मिनट की करो, मैक्सिमम 3 मिनट की करो, लेकिन मैं 3 मिनट से ज्यादा की प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि 3 मिनट के बाद जो है ग्राफ चेंज हो सकता है, ठीक है। और पीछे चल के आपको फॉलो दिखा देता हूं कोई चीजें, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ है किसी चीज पे, तो यहां पे देखिए इतनी, यहां पे आप देखेंगे दो पैराबोलिक शेप बन रही है येलो और रेड, तो येलो को बना के फिर रेड कट रहा है नीचे की तरफ और ट्रेड देखो नीचे की तरफ ही आ रही है। कितनी सारी रेड कैंडल्स यहां पर बनी है आप चेक कर सकते हैं, यहां पर आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से रेड कैंडल्स बन रही है। तो गाइज सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप इतनी अर्निंग करोगे इस ट्रिक को लेके, और आपके ही चैनल पे जल्दी वीडियो में इसीलिए बनाया मैंने ये थोड़ा जल्दबाजी में, ताकि ये ट्रिक मेरे से पहले कोई अपलोड यूट्यूब पे ना कर दे। और उम्मीद करता हूँ कि ये कितनी मजेदार ट्रिक है, जरूर विनिंग करोगे इससे, और अगर विनिंग करोगे गाइज दुआ जरूर देना, लाइक बटन पर हिट कर देना, सब्सक्राइब तो अभी कर दो, अगर वीडियो को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी आसान कर देने वाला हूँ चीजों को मैं जितनी आप सोच भी नहीं सकते हो गाइस, सीरियसली बता रहा हूं, इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं, और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान कर देने वाला हूं चीजों को, आपकी दिमाग जितना आप सोच भी नहीं सकते, बिना नॉलेज के, मार्केटिंग नॉलेज के आप यहां से बहुत ट्रेड कर पाओगे, बहुत पैसा अर्न कर पाओगे। तो अब चलते हैं लाइव, आपको स्ट्रीम में मैंने दिखा दिया, अब लाइव सिग्नल की तरफ चलते हैं कि काश कोई ऐसा सिग्नल अभी मिल जाए फिलहाल जो मैं आपको दिखा सकूं ट्रेड करके जिसके ऊपर और आप विन कर सको, क्योंकि आपको ग्राफ रीड करने में कोई दिक्कत आ रही होगी गाइस, जैसे पहले इस वीडियो से पहले आपको ग्राफ रीड करने में आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे मैं रीड करूं ग्राफ को, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है ग्राफ रीड करने में। अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो है मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ ट्रिक को, तो गाइस जितने भी बायरेरी एप्लीकेशन है जो आपको ये फीचर प्रोवाइड करती है हर एक जगह पे आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है, हर एक जगह पे, हर एक जगह पे आप इसे यूज कर सकते हो। अब रीजन ये है, मतलब आप जैसे ओलिम ट्रेड की बात करेंगे, लोग बात करेंगे कोई भी एप्लीकेशन, जैसे आईक्यू ऑप्शन की बात करेंगे, एक्सपर्ट ऑप्शन की बात करेंगे, तो सब जगह आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि एलिगेटर का जो
एलिगेटर का जो हमारे पास ऑप्शन है वो हर जहां भी ऑप्शन मिलेगा वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। एलिगेटर इंडिकेटर आपके पास होना चाहिए आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, जैसे ही वो मिलेगा तो आप जहां भी जिस भी एप्लीकेशन में चाहो ये जो है फंडा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, अभी फिलहाल कोई ऐसा सिग्नल मिल नहीं रहा है और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको मैंने हिस्ट्री में जाके दिखा दिया है पीछे कि किस तरीके से वर्क करे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हमने प्रूफ किया है कि हमारा जो पॉइंट है बिल्कुल करेक्ट है। और ट्राई करो और जरूर विनिंग होगी, मजा आएगा, और मजा जैसे ही आएगा तो अब कमेंट करके बताना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, लाइक कर दिया होगा अभी तक चैनल पे, चाहे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ गए होंगे। चलिए मुलाकात करते हैं एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।